नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। दावा क्या है? सोशल मीडिया पर पुलिस की वर्दी में दिख रहे एक शख्स के गोलियां चलाने और उससे दो लोगों की कथित मौत होने का वीडियो वायरल है। कोई इसे पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है तो कोई जंगल राज। वीडियो ट्वीट करते हुए आबिद मजीदी नाम के यूजर ने लिखा, ये वीडियो सूरत के सिविल अस्पताल के बाहर का बताया जा रहा है। कई यानी यूजर्स ने ट्वीट कर इस वीडियो की सच्चाई जाननी चाहिए। साथ ही तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और तमाम अलग अलग जगहों को बताया, यूपी को बताया, पंजाब को बताया और तमाम जगहों को बताया। अब बारी है पड़ताल की। हमारी पड़ताल में ये वीडियो असल में किसी मर्डर का नहीं बल्कि एक वेब सीरीज की शूटिंग का निकला और ये शूटिंग सूरत में नहीं हरियाणा के करनाल शहर में हुई है। वीडियो के बैकग्राउंड में फ्रेंड्स कैफे लिखा दिख रहा है। गूगल सर्च करने पर इस कैफे से मिलती जुलती तस्वीर करनाल के फ्रेंड्स कैफे की थी। हमने फ्रेंड्स कैफे करनाल से संपर्क किया। कैफे के मालिक कृष्ण नरवाल ने बताया कि ये घटना करीब 3 महीने पुरानी है। कृष्णा के जरिए हम वीडियो में पुलिस की वर्दी में गोली चलाते दिखे शख्स तक पहुंचे। इनका नाम विनय कुहाड़ है। ये एक्टर प्रोड्यूसर है। वायरल वीडियो उनकी आगामी वेब सीरीज की शूटिंग का है। विनय ने बताया, ये हमारी जल्द आने वाली वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान किसी ने फ़ोन से बना लिया है। इस वीडियो में गोली चलाने वाला एक्टर मैं ही हूँ। जिन्हें गोली लगी है वो एक्टर हैं श्वेता सिन्हा और देव। हम अप्रैल महीने के आखिर तक ये वेब सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मेरा नाम विनय कुहाड़ है और हमें पता चला कि आज सुबह से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक पुलिस वाला एक औरत और बच्चे को गोली मार रहा है। देखिए, उस वीडियो में मैं ही हूँ और वो एक वेब सीरीज का सीन है जो कि एक रियल इंसिडेंट गुड़गांव जो जज की वाइफ और बच्चे का उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने मर्डर कर दिया था, ये उस पर रियल इंसिडेंट पे बेस है। एक्टिंग की गई है, कोई ओरिजिनल इंसिडेंट कोई करनाल में हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एक एक्टिंग थी। 2018 में गुरुग्राम में जिला न्यायाधीश रहे कृष्णकांत की पत्नी और बेटे को उनके सुरक्षा अधिकारी ने गोली मार दी थी। ये वेब सीरीज उसी घटना पर आधारित है। अभी हमने वेब सीरीज का नाम नहीं रखा है। ये वेब सीरीज के पहले शॉट का रिहर्सल था। उस दिन शूटिंग देखकर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसी में से किसी ने ये वीडियो बना लिया होगा। इसे गोली मारने के नाम पर वायरल किया जा रहा है जबकि ऐसा नहीं है। ये वेब सीरीज की शूटिंग का हिस्सा है। वीडियो को ध्यान से देखने पर आप भी नोटिस कर पाएंगे कि वहां पर गोली चलने के बाद कोई ज्यादा अफरातफरी नहीं होती। लोग बंदूक से डरकर भागने के बजाय एक्टर्स के पास आते हैं। इसके अलावा कुछ ही सेकेंड्स में एक्टर की मौत हो जाती है जो कि अमूमन गोली लगने पर नहीं होता। फ्रेंड्स कैफे के मालिक कृष्ण नरवाल ने भी हमें शूटिंग के वीडियोज और तस्वीरें भेजी। वीडियो के मेटाडेटा से पता चलता है कि ये 2 फरवरी 2021 का वीडियो है। फ्रेंड्स कैफे की आज की तस्वीरें भी देख लीजिए। इसके अलावा विनय ने वेब सीरीज की कुछ तस्वीरें हमसे साझा की हैं, वो भी देख लीजिए। तो नतीजा क्या निकला? सूरत के सिविल अस्पताल के बाहर पुलिसकर्मी के गोली चढ़ाकर दो लोगों को मारने के नाम पर वायरल हो रहा वीडियो करनाल का है। इस वीडियो में दिख रहे तीनों मुख्य एक्टर्स हैं जो जल्द ही आ रही एक वेब सीरीज का हिस्सा है। पुलिस की वर्दी पहने और वीडियो में गोली चलाने की एक्टिंग करते शख्स विनय कुहाड़ हैं और वो इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर भी हैं। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।